हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज के लिए मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 को इंग्लिश की। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इट्स अबाउट रिसोर्सेज क्या क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सो लेट्स कंटिन्यू जो हमने लास्ट में छोड़ा था। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेसी एक्टिविटीज़ इन लैंग्वेज। लिटरेसी की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं एक लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। Involving learners in various literacy activities will help them enhance their confidence and motivation in taking part in conversation effortlessly and becoming familiar with idiomatic expression and colloquialism. जब हम लर्नर्स को इन्वॉल्व करते हैं अलग अलग लिटरेचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ, तो हम बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप कर पाते हैं, उन्हें मोटिवेट कर पाते हैं कि बच्चे जो भी कन्वर्सेशंस हो रही है उसमें एफर्ट, मतलब बिना एफर्ट लगाए पार्टिसिपेट कर सके, और वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाए कि जो भी इडियम्स का यूज़ हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लोग, वो उसे इजीली समझ सके, फेमिलियर हो पाए। सो नेक्स्ट हमारा आता है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। डायलॉग। डायलॉग भी एक एक्टिविटी है। सो लेट सी। डायलॉग यूजुअली प्रेजेंट स्पोकन लैंग्वेज विद इन अ कंटेक्सट बट ऑल्सो डेवलप्स लिसनिंग टू प्रैक्टिस प्रोनंसिएशन इंटोनेशन एंड अदर फोनोलॉजिकल फीचर्स। जो डायलॉग्स होते हैं ये जनरली प्रेजेंट करते हैं जो हमने बात कही है, हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हम बात को क्या कहना चाह रहे हैं, और हमने उस डायलॉग के थ्रू हम जैसे उसको कन्वे कर रहे हैं, मतलब हमारी फ्लुएंसी पर डिपेंड करता है हम कैसे उस चीज़ को बोल रहे हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि जो लिसनर है वो जो उसकी जो जो सुन रहा होता है ना, जो लिसनर होता है उसकी प्रोनंसिएशन डेवलप हो जाती है। वो एक वर्ड को सुनता है तो वो सीख जाता है कि अच्छा हमें नेक्स्ट इस वर्ड को ऐसे बोलना चाहिए, इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन ये है, और वो इंटोनेशन सीख जाते हैं, और बहुत से अलग अलग फोनोलॉजिकल फीचर्स को बच्चे डेवलप कर लेते हैं डायलॉग्स के थ्रू। वी कैन ऑल्सो कम्बाइन डायलॉग्स विद राइटिंग बाई आस्किंग देम टू फिल द डायलॉग बॉक्सेज विद इट्स करेक्टर। हम बच्चों को कम्बाइंड डायलॉग्स भी दे सकते हैं और उन्हें लिखने के लिए कह सकते हैं कि आपको ये फिलअप्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको इस करेक्टर के अकॉर्डिंग ये डायलॉग्स फिलअप करने हैं। तो जैसे कि हमने बच्चों को कोई स्टोरी सुना दी, देन बैक एक्सरसाइज में हम बोल देते हैं डायलॉग्स फिलिंग, तो बच्चों को पता होता है किस करेक्टर ने क्या कहा था, तो बच्चे फिर उस अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में डायलॉग्स को लिख पाते हैं, तो बच्चों की यहाँ पे राइटिंग स्किल्स पे इम्प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायलॉग फोकसेस ऑन। डायलॉग किस किस चीज़ पे फोकस करते हैं। एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विद आइडिया। एक्सचेंज कर पाते हैं हम बच्चों के साथ इंफॉर्मेशन को अलग अलग आइडियाज़ के साथ। डेवलपिंग द आर्ट ऑफ कन्वेइंग एक्सप्रेसिंग अ मैसेज इन अ वे डैट इज ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय अदर्स। हम ना एक आर्ट को डेवलप कर लेते हैं कि हमें कैसे अपनी बात को कन्वे करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है अपनी बात को या किसी भी मैसेज को जो हम बोलना चाह रहे हैं, ताकि जो दूसरा पर्सन है या दूसरा कोई भी इंडिविजुअल है वो हमारी कही हुई बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, अच्छे से समझ सके बिना किसी परेशानी के। थर्ड पॉइंट है हमारा यूजिंग अप्रोप्रिएट वॉइस बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड। जब हम डायलॉग्स को बोलते हैं तो हम अप्रोप्रिएट वॉइस देखते हैं। जैसे कि मान लो हम खुद मूवीज देखते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं कि ना विलेन की आवाज़ हमेशा थोड़ी हार्ड होती है, एंड जो फीमेल एक्ट्रेस होती है उसकी आवाज़ हमेशा बहुत प्यारी सी होती है, वो बहुत मतलब लहजे से बोलती है, वो तमीज़ से बोलती है, या फिर उसको जब गुस्सा वाले एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस दिखता है, उसकी वॉइस में डिफरेंस दिखता है, और सिचुएशन को देखते हुए चीज़ें बोली जाती है, डायलॉग्स बोले जाते हैं, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका भी अलग ही रोल, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है एक डायलॉग को कन्वे करने में। बिकॉज हमारा जो खुद हमारा जो एटीट्यूड है और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो जिस वॉइस के साथ हम बोल रहे हैं, जब हमें गुस्सा है तो हम तेज़ बोलते हैं, जब हमें कोई बात, जब हम डरे हुए होते तो हम कोई बात ध्यान मतलब बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, हमें पता है हमने कोई गलती करी तो भी हम धीरे से बोलते हैं बिकॉज हमें डर रहता है। तो वहीं पे वही बात आ जाती है कि हम डायलॉग जब कन्वे कर रहे होते हैं तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायलॉग को कन्वे करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है, आपकी वॉइस उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक्सटेम्परी स्पीच। एक्सटेम्परी होता है कि ना क्लास, ये भी एक काइंड एक्टिविटी होती है, इसमें हम बच्चों को कोई भी टॉपिक दे देते हैं, तुरंत के तुरंत टॉपिक दिया जाता है, उनको 5 मिनट्स दिए जाते हैं कि आपको इस टॉपिक पर प्रिपेयर करना है एंड बोलना है। एक्सटेम्परी स्पीच होती है कि बच्चों को तुरंत टॉपिक दिया एंड उन्हें
बोल दिया कि अब आप इस चीज़ को कन्वे करो। तो एक्सटेम्परी स्पीच वो होती है, सो लेट सी इसमें क्या है। द वर्ड एक्सटेम्परी मीन्स स्पीकिंग विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने अभी कहा एक्सटेम्परी का मतलब होता है कि आपको बोलना है बिना किसी प्री प्रिपेरेशन के, मतलब आपके पहले से कोई प्रिपेरेशन या आपने कोई टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करके रखा हुआ, आपको बस एकदम से बोलना पड़ेगा आपको जब टॉपिक दिया गया है। इट इज़ यूज टू असेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड स्पीक ऑन एनी टॉपिक विद रीजनेबल फ्लुएंसी क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। ये एक मतलब ये ना एक स्टूडेंट में एबिलिटी डेवलप करता है कि वो लॉजिकली थिंक कर सके, पॉइंट्स को ढूंढे और बिना किसी प्रिपरेशन के वो किसी भी टॉपिक पे एक फ्लुएंसी के साथ बोले, एक क्लैरिटी के साथ बोले, बिना रुकावट के बोले, बिल्कुल अच्छे से बोले। जैसे कि मान लो उसने वो टॉपिक पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। मतलब उसको हम ये सिखाते हैं कि आपको कोई भी सिचुएशन कभी मिल जाती है, हम एक तरह से जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपको एकदम से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आपको रिप्लाई करना होता है, तो ये काइंड आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है फ्यूचर में भी कि आपको कोई भी सिचुएशन, आपको कहीं भी बोलने के लिए बोला जाए तो आप बोल सकते हो। एंड एक्सटेम्परी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू थिंक एनालाइज जनरेट आइडियाज सिक्वेंस them logically and express him or herself effectively showing his or her communication skills and overall presentational skills. Extemporary एक learner को students को opportunity provide करता है कि वो सोच सके, चीज़ों को analyze कर सके, नए नए ideas को generate कर सके और फिर उन सभी चीज़ों को एक sequence में लगा सके और फिर logically express करे अपने चीज़ों को, जो भी उन्हें टॉपिक दिया गया है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, कन्वे कर पाए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाए और अपनी ओवरऑल प्रेजेंटेशनल स्किल्स को भी वो दिखाए। बिकॉज वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं या फिर उन्होंने अपने टॉपिक को कैसे प्रेजेंट अप किया है, तो यही सब चीज़ें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी स्पीकिंग स्किल्स को दिखाता है, प्लस उनकी लॉजिकल स्किल्स को भी कि उनकी थिंकिंग रीजनिंग पावर कितनी अच्छी है। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कैप्ट इन माइंड फॉर एन एक्सटेम्परी स्पीकिंग। कौन कौन से पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखने चाहिए एक एक्सटेम्परी स्पीकिंग के लिए। इफ़ पॉसिबल डिफाइन द टॉपिक और स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ अ टॉपिक। अगर आपको, आप ये कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया आप उसको प्रॉपरली डिफाइन करो। या जैसे पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन के चार काइंड्स होते हैं, चार या से पाँच काइंड होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ये सारे काइंड्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर दो, डिफाइन कर दो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। अगर आपको पॉल्यूशन टॉपिक दे दिया जाता है, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप स्पेसिफिक टर्म्स को डिफाइन कर दो एंड अपने प्रॉपरली टॉपिक को डिफाइन कर दो। इफ़ एनी वाइडली नॉन क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक, टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। अगर हमें कोई भी क्लासिफिकेशन करनी है जो टॉपिक है उसमें, ऐसी कोई चीज़ आती है जिसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं चीज़ों को अलग अलग टॉपिक्स में या सब टॉपिक्स में, तो हम उसके बारे में बात करें एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिफाई करने की कोशिश करें विद ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ अगर हमें पता है तो। प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ डाटा इफ़ यू नो और एग्जांपल। तो वही बात है कि आप एग्जांपल्स बता सकते हो या फिर कुछ फैक्ट्स बता सकते हो अगर आपको पता है तो। तो एक्सटेम्परी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप ऐसी बात करते हो। टीचर को लगता है कि हाँ आपकी रीजनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होते हैं। बिकॉज एकदम से ऐसी चीज़ों को लेके आना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, इट मीन्स आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम आर एवरीडे लाइफ फॉर एक्सटेम्परी स्पीच में इंक्लूड, अलग अलग जो टॉपिक्स हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड, हो सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मोबाइल शुड बी बैंड इन द कॉलेजेस, मोबाइल को बैन कर देना चाहिए कॉलेजेस में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ना होकर के सारी यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेट कर देना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि हम एग्जैक्टली अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए एकदम से एक्सटेम्परी, जिसके हम जिसके लिए टॉपिक्स के ऊपर हम एक्सटेम्परी स्पीच दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गाइडेड स्पीच। गाइडेड स्पीच क्या होती है? The objective of guided speech is to brainstorm the learners to think further on the given line and then deliver the intended speech. Guided speech में ये होता है कि ना हम एक स्टूडेंट को हम गाइड अप करते हैं कि आपको इस टॉपिक पे आप ऐसे बोल सकते हो, फिर हम उन्हें एक प्रॉपरली बताते हैं कि आप इस टॉपिक में क्या क्या बोल सकते हो, आपके क्या क्या लिमिटेशंस है कि आप कितने टाइम तक आपको बोलना है एंड आप इसमें क्या क्या कैरी अप करोगे एंड क्या क्या आप नहीं बोल सकते, फिर बच्चा उसको डिलीवर करता है उस स्पीच को अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ टीचर।
द लर्नर्स फील हेल्पलेस एज दे डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन टू डिलीवर स्पीच ऑन द गिवन टॉपिक। जनरली लर्नर्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, बस उन्हें गाइडेंस दी जाती है एंड देन उनको डिलीवर करनी होती है स्पीच। उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, बस एक गाइडअप करते हैं कि आप इसमें ये चीज़ें डाल सकते हैं, बट उन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं करते, उन्हें प्रॉपरली बताया नहीं जाता। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सटेम्परी। The teacher, the guidance in guided speech, the stress is taken care of so that the learners feel encouraged to speak. बच्चों को ज़्यादातर स्ट्रेस दिया जाता है कि आप लोग अच्छे से बोलो, और उन्हें एनकरेज किया जाता है कि आपको जो भी आता है आप एटलीस्ट उससे बोलने का ट्राई करो, लेकिन उन्हें एनकरेज किया जाता है लेकिन आप बोलो। द टीचर प्रोवाइड्स द इनपुट्स एंड द लर्नर्स यूज द इनपुट्स और क्लूज टू प्रिपेयर द स्पीच एंड डिलीवर द सेम बिफोर द अदर। जो बच्चा जो टीचर होते हैं वो बच्चों को इनपुट्स प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब वही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कुछ क्लूज दे देते हैं कि आप ये सब चीज़ें डाल के स्पीच को प्रिपेयर कर सकते हो और फिर आप उसको डिलीवर कर सकते हो इससे पहले कि कोई और वही चीज़ें बोल दे या आपका टॉपिक के रिलेटेड वो उस चीज़ को कन्वे कर दे, तो उससे पहले आप ये चीज़ कन्वे कर सकते हो। The teacher makes the learners understand that the introduction of their speech should grab the listener's interest and establish the theme of the remainder of the speech. टीचर बच्चों को ये बता देता है कि आप ये चीज़ समझ लो कि जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, स्पीच दोगे, तो आपका स्पीच ऐसी होनी चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन ही इतना ज़्यादा बेटर होना चाहिए कि जो भी वहाँ पे आपकी ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, उनमें इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, वो पहले ही अपने माइंड में एक थीम डेवलप कर ले कि जो स्पीच दी जाएगी वो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी एंड उसका मोटिव, उसका मोरल ये निकलेगा। तो मतलब आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन से ही एक सुनने वाले को ये बता दो कि आपकी आगे आप जो बोलने वाले हो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो लिसनर है वो उस चीज़ को अच्छे से सुने। द मेन बॉडी शुड कंसंट्रेट ऑन पॉइंट्स ऑफ एम्फेसिस। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर कंसंट्रेट करनी चाहिए उस चीज़ पे कि जैसे हम बोल रहे हैं तो हम लोगों का इंटरेस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उनकी अटेंशन पा सके कि वो हमें अच्छे से सुने। द कंक्लूजन शुड रिस्टेट द की पॉइंट्स एंड समराइज द ओवर एकिंग मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड। जो कंक्लूजन हमें लास्ट में देना है अपनी स्पीच में, तो हमें सारे की पॉइंट्स को एक बार दोहराना है जो जो हमने स्पीच के अंदर बोले थे, फिर हमें एक समराइज करना है उन की पॉइंट्स को सो डैट वो एक मैसेज कन्वे कर सके सभी लोगों को जो कि हम अपनी पूरी स्पीच में कन्वे करना चाह रहे थे। नेक्स्ट हमारा आता है डिक्शनरी एंड एनसाइक्लोपीडिया, कि डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया का क्या काम है। Using dictionary is a skill, but if you look up upon every new word you see or hear, you will spend your whole day with the dictionary in your hand. Dictionary एक skill है जिसमें कि हम नए नए words को देखते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो हम अपना पूरा दिन निकाल देते हैं उन words का meaning ढूंढने के लिए, तो अगर dictionary हमारे हाथ में है तो। इवन हमें छोटी क्लासेस में ये भी बोला जाता है कि एक पॉकेट डिक्शनरी रखनी चाहिए सो डैट जब हमारे बुक में कोई न्यू वर्ड्स आते हैं, जब हमें टीचर बताती है, तो बच्चे डिक्शनरी से ढूंढ के जल्दी से उन वर्ड्स का मीनिंग बता सके। व्हेन यू फाइंड अ न्यू वर्ड व्हाइल रीडिंग, फर्स्ट ट्राई टू गेस द मीनिंग इन द गिवन कंटेक्स्ट एंड ट्राई टू फिनिश द सेंटेंस और पैराग्राफ। इफ यू हैवंट गेस्ड द मीनिंग एंड इट स्टिल सीम्स इम्पॉर्टेंट देन यू कैन लुक इट अप। जब भी हमें कोई न्यू वर्ड मिलता है, जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो पहले हम ट्राई करते हैं कि जो पूरा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ का मीनिंग क्या निकलेगा, फिर हम उस सेंटेंस को फिनिश करते हैं और ट्राई करते हैं दोबारा से कनेक्ट करने की। लेकिन अगर हमें फिर भी उस वर्ड का मीनिंग नहीं मिलता है, हम गेसअप नहीं कर पाते, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक बार डिक्शनरी में देख ले एंड उस सेंटेंस को समझ सके कि आखिर वो सेंटेंस हमें क्या कन्वे कहना चाह रहा था। Similarly, when you hear a new word in or outside the classroom, wait and continue listening. What the teacher person says next may help you to understand the word. Similarly, जब हम कोई भी नया वर्ड सुनते हैं, घर में सुन रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, क्लास के बाहर सुन रहे हैं, तो हमें पहले वेट करना चाहिए, फिर पूरी बात को कंप्लीट होने देना चाहिए ताकि हम उस वर्ड का अपने आप ही मीनिंग गेसअप कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि वो वर्ड क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। If you find the word more difficult, then you may write how you think it is spelled or later on
कुड आस्क द टीचर और अनदर लर्नर वट इट मीन्स। अगर हमें फिर भी वर्ड नहीं मिलता, हमें डिक्शनरी में भी वर्ड नहीं मिलता, या डिक्शनरी में जो लैंग्वेज थी वर्ड का और मीनिंग दिया हुआ है वो भी हमें समझ नहीं आता, तो हम एक बार टीचर को बोल सकते हैं या किसी और स्टूडेंट को बोल सकते हैं जिसको मतलब पता हो सकता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। अ डिक्शनरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। एक डिक्शनरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है कि हम लर्निंग कि हम एक लैंग्वेज को लर्न कर सकें, सीख सकें। सो अ डिक्शनरी हेल्प अस। एक डिक्शनरी हमें कैसे हेल्प करती है? लुक अप द मीनिंग ऑफ एन इंग्लिश वर्ड यू सी और हियर। हम मीनिंग देख सकते हैं जो भी हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं नए वर्ड्स का। फाइंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्ड इन अदर लैंग्वेज। हम उसी इंग्लिश वर्ड की ट्रांसलेशन देख सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। चेक द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड। हम वर्ड की स्पेलिंग चेकअप कर सकते हैं। फाइंड आउट अदर ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड। हमें ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है एक वर्ड के बारे में। मैं डिक्शनरीज में लिखा हो सकता है कि इसको एडजेक्टिव की फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाएगा या नाउन की फॉर्म में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। फाइंड द सिनोनियम और एंटोनियम ऑफ अ वर्ड। हम सिनोनियम और एंटोनियम भी ढूंढ सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड का। लुक अप द कलेक्शन ऑफ अ वर्ड। हम उस वर्ड की कलेक्शन देख सकते हैं। चेक द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ अ वर्ड। हम उस पार्ट को चेक कर सकते हैं कि वो स्पीच मतलब क्या कन्वे करना चाह रही है, फिर उस वर्ड के अगर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं तो हम समझ पाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिक्शनरी से देख के कि यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग क्या निकल रहा है। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड। और हमें प्रोनंसिएशन करने भी आ जाती है। हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें वर्ड को कैसे प्रोनंस करना है, इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या होगी। फाइंड एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ अ वर्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। हम एग्जाम्पल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि नेचुरली या जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो हम इस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और डिक्शनरी इन सब चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आता है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया में क्या है? एन एनसाइक्लोपीडिया टिपिकली इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एंड डिस्कसिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। जो एक एनसाइक्लोपीडिया होती है ये जनरली इंक्लूड करती है बहुत सारी शॉर्ट लिस्टिंग्स को, मतलब इसके ना जनरली नंबर्स में सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स सब बहुत लिखे हुए होते हैं और हमेशा वो अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं और बहुत ही वाइडली डिस्कस किए हुए होते हैं एनसाइक्लोपीडिया के अंदर। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, जनरल एंड सब्जेक्ट। हमारे पास दो टाइप की एनसाइक्लोपीडिया है, जनरल होती है और एक सब्जेक्ट होती है जिसको कि हम स्पेशलाइज्ड एनसाइक्लोपीडिया भी कह देते हैं। तो जनरल एनसाइक्लोपीडिया में क्या है? दीज आर द मल्टी वॉल्यूम एंड कवर इन ब्रीफ डिटेल इन एवरी टॉपिक इमेजिनेबल। एग्जाम्पल वर्ल्ड बुक एंड एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका। तो जनरल एनसाइक्लोपीडिया क्या होगा कि ना इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में एक ही एनसाइक्लोपीडिया में होता है और ये ज़्यादातर ब्रीफली कवर करती है हर एक डिटेल को, हर एक टॉपिक को, और उसको बहुत इमेजिनेबल बना देती है। उसमें इतनी सारी पिक्चर्स भी होती है कि हम इमेजिन कर पाते हैं कि हमें क्या कन्वे किया जा रहा है या कितने ब्रीफली जो डिटेल दी गई है क्या ऐसा सच में होता है। तो एग्जाम्पल हो सकती है वर्ल्ड बुक की, पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें पिक्चर्स दी होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं और बहुत ब्रीफली प्लस मल्टी वॉल्यूम में होता है, बहुत लार्ज नंबर पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अलग अलग चीज़ों के बारे में। या फिर हम एनसाइक्लोपीडिया, एक एनसाइक्लोपीडिया का नाम है ब्रिटेनिका, तो हम इसके बारे में एक जनरल एनसाइक्लोपीडिया का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट एनसाइक्लोपीडिया। सब्जेक्ट एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है? इट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक इन मोर डिटेल सच एज जूलॉजी, मेडिसिन और लैंग्वेज और एजुकेशन। दे कैन बी वन वॉल्यूम और मल्टी वॉल्यूम। जो सब्जेक्ट एनसाइक्लोपीडिया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में लिखी हुई होती है, जैसे कि जूलॉजी एक सब्जेक्ट है इसके बारे में लिख दी, सिर्फ मेडिसिन के ऊपर एक एनसाइक्लोपीडिया बना दी, पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर या सिर्फ एजुकेशन के ऊपर हमने एनसाइक्लोपीडिया बना दी। तो ये वन वॉल्यूम भी हो सकती है या फिर ये मल्टी वॉल्यूम भी हो सकती है। जैसे कि मेडिसिन है तो ये मल्टी वॉल्यूम है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट एनसाइक्लोपीडिया कैसे कि ये सिर्फ एक मेडिसिन के बारे में बताएगी, एक मेडिसिनल सब्जेक्ट के ऊपर एनसाइक्लोपीडिया बनी है। और यह मल्टी वॉल्यूम इसलिए क्योंकि इसमें अलग अलग मेडिसिन के बारे में पूरा ब्रीफली डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारा आता है अ जनरल एनसाइक्लोपीडिया लाइक वर्ल्ड बुक इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली बाय एंट्री सब्जेक्ट और स्पेशलाइज्ड एनसाइक्लोपीडियाज मे बी ऑर्गेनाइज्ड क्रोनोलॉजिकली टॉपिकली एंड अल्फाबेटिकली। जो एक जनरल एनसाइक्लोपीडिया होती है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ अरेंज की जाती है।
और जो सब्जेक्ट या फिर स्पेशलाइज्ड एनसाइक्लोपीडिया होती है इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब इसको हम कैसे भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, हम इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज कर देते हैं, हम टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर देते हैं, या फिर हम इसको अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी इसको सेटअप कर देते हैं। टेक्निक्स क्या क्या है इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए? तो पहले टेक्निक आती है अल्फाबेटाइजिंग एक्सरसाइज। अल्फाबेट्स वाली एक्सरसाइज क्या है? लर्नर्स नीड्स प्रैक्टिस पुटिंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पर्टिकुलरली वर्ड्स डेट बिगिन विद द सेम लेटर। तो लर्नर्स क्या कर सकते हैं कि ना, वो प्रैक्टिस पुटअप कर सकते हैं कि वो रोज़ के 10 वर्ड्स ढूंढने और अल्फाबेटिकली ढूंढने की कोशिश करें जो कि सेम लेटर के साथ बिगिन हो रहे हैं, या फिर उनके जो लेटर्स हैं उनके जो फर्स्ट 2-3 वर्ड्स हैं वो एक साथ एक जैसे से हों, तो वो डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे। द स्किल इज़ नेसेसरी टू एफिशिएंटली कंसल्ट डिक्शनरीज एनसाइक्लोपीडियाज एंड अदर रेफरेंस वर्क्स। ये स्किल बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है कि हम अपनी डिक्शनरीज को बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ सके और अपने अंदर उन स्किल्स को ढाल सके। इससे हमारे लिए लर्निंग स्किल्स भी बढ़ती है, रीडिंग स्किल्स भी बढ़ती है, प्लस हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ती है, बिकॉज हम जब कुछ पढ़ते हैं तो हम उसको रीड आउट कर रहे होते हैं। तो रीडिंग स्किल्स बढ़ गई आपकी और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ गई। प्रोनंसिएशन। डिक्शनरीज यूज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस टू इलस्ट्रेट द प्रोनंसिएशंस ऑफ द वर्ड्स। वेरियस सिंबल्स आर यूज बाय द पब्लिशर टू शो न्यू वर्ड्स आर टू शो हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस। प्रोनंसिएशन में डिक्शनरीज ऐसे हेल्पफुल रहती है कि ना, ये हमें ना बहुत बार इलस्ट्रेट करके देती है कि हमें कौन से वर्ड पे कितना स्ट्रेस डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाउल है, तो फिर उसमें ना वो लिख मतलब नीचे लिख के दिखा देता है, मतलब डिक्शनरी में लिखा रहता है, एक इलस्ट्रेशन में एग्जाम्पल देता है कि आपको कैसे बोले, तो वो ना BOULB बहुत सारी डिक्शनरीज में लिखा हुआ है, सो डेट हमें रहे कि हमें मतलब पता चल जाए कि हमें उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो BOUL से हम देख लेते हैं, हम समझ पाते हैं कि हाँ इसकी स्पेलिंग ये है, लेकिन हमें इसको प्रोनाउंस करना है जैसे हम BOUL को पढ़ेंगे, सो बॉल इसको पढ़ा जाएगा ना कि बाउल। लर्नर्स कैन बी टॉट टू यूज दिस सिंबल्स अलॉन्ग विद स्ट्रेस मार्किंग टू गेट फुल यूज ऑफ देयर डिक्शनरीज। लर्नर्स को सिखाया जा सकता है इन सिंबल्स का यूज अप करना कि आपको कितने वर्ड्स पे कितना स्ट्रेस देना है और आपके लिए कैसे मतलब डिक्शनरीज हेल्प कर सकती है कि आप अच्छे से स्ट्रेस अप दे के वर्ड्स को बोलना सीख जाओ, प्रोनाउंस करना सीख जाओ। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ मीनिंग। लर्नर शुड प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग विच मीनिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वेन सेवरल आर गिवन फॉर द सेम वर्ड। लर्नर्स प्रैक्टिस करने लगते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मीनिंग कितना अप्रोप्रिएट है और वो उन्हें कहाँ पे यूज़ करना है और उस मीनिंग के लिए कौन सा सेम वर्ड हम बोल सकते हैं, मतलब हम एंटोनियम्स और सिनोनियम्स सीख जाते हैं। फॉर दिस दे हैव टू टेक द कंटेक्सचुअल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एंड इसके लिए उन्हें कंटेक्सचुअल मीनिंग पता होना चाहिए उस वर्ड का। फाइंडिंग द राइट स्पेलिंग। अनदर प्रॉब्लम यू मे हैव इज वेन यू वॉन्ट टू चेक योर स्पेलिंग बट यू कैंट फाइंड द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर। कई बार प्रॉब्लम आती है कि ना, जैसे होमोफोन्स होते हैं तो मतलब स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो हमने अगर उस चीज़ को सुना है तो हम स्पेलिंग पता नहीं कर पाते कि हमें क्या बोल रहे हैं, और फिर अलग अगर अलग स्पेलिंग्स होती हैं तो वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है, बिकॉज जो हमने सुना है उस वर्ड का मीनिंग दूसरा भी हो सकता है। इफ़ यू आर श्योर ऑफ द फर्स्ट फ्यू लेटर्स जस्ट लुक डाउन द पेज अंटिल यू फाइंड द राइट स्पेलिंग। अगर हम श्योर हैं कुछ लेटर्स कुछ फ्यू लेटर्स की, हाँ फर्स्ट फ्यू लेटर्स ये थे, तो हमें बिल्कुल ना उस पेज पे आके एंड तक देखना चाहिए कि वो क्या वो वर्ड यही निकल रहा है उसकी राइट स्पेलिंग फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है कि मीनिंग ये सिर्फ एक ही का है, या फिर हम एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ऐसा कोई और वर्ड भी है, तो हमें 2 वर्ड्स की मीनिंग भी इससे पता चल जाती है अगर हमें कुछ फ्यू वर्ड्स पता होते हैं पहले के ही। इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द फर्स्ट फ्यू लेटर्स ट्राई अदर पॉसिबिलिटीज। यू नो फॉर एग्जाम्पल डेट सम वर्ड्स डेट स्टार्ट विद एन या एन साउंड शुड हैव के एज देयर जस्ट एज देयर फर्स्ट लेटर। एंड बहुत बार हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया नाइफ है, तो जो कि हमने साउंड सुनी एन नाइफ नाइट, ठीक है, तो इसमें एन आ रहा है, इसमें के नहीं आ रहा, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जब ऐसे वर्ड जाते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर के भी हो सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है नाइफ एंड नाइट, तो इसमें एन एन आ रहा है साउंड में तो, लेकिन इसका फर्स्ट वर्ड स्पेलिंग के अकॉर्डिंग के की आ जाता है। सो इफ यू कांट फाइंड द वर्ड अंडर दिस सिचुएशन ट्राई लुकिंग एट द पेजेस। तो अगर हमें मान लो ऐसी चीज़ें नहीं पता चल पाती है, तो हमें पेजेस पे लुकआउट करना चाहिए कि नेक्स्ट क्या है,
और हम कैसे मीनिंग ढूंढ सकते हैं। इफ यू स्टिल कांट फाइंड द वर्ड, थिंक वट इज इन योर लैंग्वेज एंड लुक इट अप इन योर बायलिंगुअल डिक्शनरी। अगर हमें फिर भी वर्ड नहीं मिल रहा है तो हम अपनी मतलब हम ना फिर अपनी नेचुरल लैंग्वेज में देख सकते हैं, जैसे कि कोई इंग्लिश का वर्ड है और हमारी लैंग्वेज है प्रॉपरली हिंदी, तो हम हिंदी में अगर हमें उस वर्ड का मतलब पता है तो हम उसको एक बायलिंगुअल डिक्शनरी में देख सकते हैं, जिसमें इंग्लिश में भी मीनिंग होगा एंड हिंदी में भी मीनिंग होगा, फिर हम उसकी स्पेलिंग करेक्ट पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी यूनिट फिनिश होती है। होप सो आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, एंड जल्द से जल्द न्यू अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।